एक्सीडेंट ने चेंज किया है आपको किसी तरीके से, आपको लगता है? हुआ कैसे था एक्सीडेंट, व्हाट हैपेंड? वो एक असूल है कि रात के वक्त नहीं चलानी है आपको, जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं बाइक यू आर अप लेके। नॉर्थ। जी तो मैं बस पहुंच गया था हुंजा से, थोड़ा सा ही दूर था, सनडाउन हो चुका था, तो मैंने कहा यार ये बस थोड़ा सा आधे घंटे 45 मिनट सामने का तो है, है सामने ही थोड़ा। तो है, पहुंच जाएंगे। सो बस वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी एंड आई हिट अ डिच, खड्डे में लगी बाइक और बस हवा में उठी और मैं और बाइक दोनों साथ नीचे। उस वक्त हिट, मतलब क्या फीलिंग थे, हिट हुआ आपको कि क्या हो रहा है, या बस उस वक्त एक माइंड नम हो जाता है, नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है? अच्छा, बिकॉज़ हमने काफ़ी ज़िंदगी में इंटेलेक्चुलाइज किया इन चीज़ों को, बहुत दफ़ा टीवी पे देखा है, फिल्म्स में देखा है कि उस वक्त एड्रेनल किक इन करता है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो जब मैं उठा तो मुझे अंदाज़ा तो था कि कितना हुआ है, पर मैं ये सोचा था यार मेरा एड्रेनल किक इन तो नहीं कर रहा, मुझे उससे ज़्यादा तो नहीं लगा जितना मुझे फील हो रहा है। आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं ओवर एनालाइज कर रहा था उस मोमेंट में, बट अच्छा, खैर मैं उठा, मेरा ये वर यू एबल टू मूव? क्योंकि मैंने जो सुना है, जो मुझे पढ़ा है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी जी थी। आई वॉज एबल टू वॉक अप विद द हेल्प ऑफ पीपल, जो इर्द गिर्द थे वो आ गए सारे। एंड यू वर अलोन उस वक्त, आपके दोस्त आपके साथ जी नहीं थे? दोस्त नहीं हाँ थे उस वक्त, वो पीछे थे। सो मैं उठा एंड ये मेरा हाथ तो उतर गया था, ये तो मुझे पता था, बिकॉज वो बिल्कुल लटक गया था। आई कुडंट, एंड पेन शदीद? नॉट रियली नॉट ऑनेस्टली, रियली। आई वॉज वेरी लकी। मैं लोगों को ये बताता हूँ तो उनको यकीन नहीं फिर आता। या तो आपका एड्रेनलिन वाकई किक इन कर गया था, या आपने या आपका पेन नहीं थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। शायद पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, बिकॉज इवन सर्जरी के बाद दर्द नहीं हुआ मुझे इतना। ऑनेस्टली मेरा एक और प्रॉब्लम यह था कि मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, या फिर सो मैं ज़्यादा दिन तक पेन किलर्स भी नहीं लेता ले सकता था। तो मुझे वो डॉक्टर कहते थे कि पेन किलर्स लो, बट मैं लेता नहीं था बिकॉज मुझे नीड नहीं होती थी। यू कुड मैनेज विदाउट इट। नहीं, बट दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, मुझे अच्छा, इतना पेन पेन। महसूस होता ही नहीं था। तो इट वॉजेंट लाइक कि मैं कोई जबर कर रहा था अपने ऊपर, यू वर नॉट कोई ट्राइंग टू बी ब्रेव जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग आई ब्रेव, वॉजेंट ट्राइंग टू बी वो ब्रेव फॉर द सेक नेचुरली ऑफ, इतना था। नेचुरली नहीं फील हो रहा था पेन मुझे। तो वो काफ़ी वियर्ड लग रहा था मेरे दोस्तों को, वो कह रहा था शायद मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो आई ओके, गेस अल्लाह की करनी थी या फिर जनरली, बट जनरली मैंने रियलाइज़ किया मुझे फिजिकल पेन इतना महसूस नहीं होता, नॉट दैट कि मैं उस पर कंट्रोल कर जाता हूँ, मुझे महसूस नहीं होता, बट इमोशनल पेन जो है ना, क्या ज्यादा था, थप्पड़ से डर लगता नहीं लगता। है। वो तो हमने देख लिया था, काफी खा के भी आप असलम साहब खड़े हुए थे। जी क्या चेंजेस आए हैं शरिया मनोबल में? व्हाट्स द न्यू शरिया लाइक? आई थिंक एक्सीडेंट ने जनरली पिछला 1-1.5 साल, कोरोना कोविड जो एक पूरी दुनिया में चेंजेस आए हैं, तो आई थिंक इंसान को तो आगे बढ़ने के लिए इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान इवॉल्व नहीं करेगा तो फिर वो पीछे रह जाएगा। सो आई थिंक हम सब ने थोड़ा बहुत इवॉल्व किया है एंड मैंने काफ़ी उसको फील किया है, जो चेंजेस हुए हैं वो महसूस जो मैंने किए हैं। आई थिंक एक तो सुकून जनरली ज़िंदगी में, एक रेस्टलेसनेस थी मेरे वो अंदर, खत्म हो गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़त्म हो गई, बट हाँ उस काफ़ी बेहतर हो गई है काफ़ी हद तक। पेशेंस, सब्र की बहुत सख्त ज़रूरत थी, वो सिखाना पड़ा। और सब्र जो है वो एक मसल की तरह है, वो आपको एक दिन में नहीं आता। तो जैसे अगर आप जिम जाते हो 9 महीने नई जिम जाने के बाद, तो पहला दिन आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हो, फिर दूसरा दिन उससे ज़्यादा करते हो, तीसरे दिन उससे ज़्यादा करते हो, महीने डेढ़ बाद स्लोली, आप बहुत ज़्यादा कर जाते हो। तो सब्र को भी आपने एक मसल की तरह एक्सरसाइज करना है, पहले दिन आपसे कम एक्सरसाइज कर पाओगे, महीने 2 महीने में आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पे आप ज़्यादा सब्र दिखा सकोगे। सो वो आना बहुत ज़रूरी हुआ है। आई थिंक कॉन्शियंशियसनेस, जिसको उर्दू में, मैं मुश्किल वर्ड है उर्दू में, आप मुझे कही थी पहले मैं पोइट्री एक्सप्लेन कर रहा था, इस वर्ड को मैं कैसे मायने दूँ, बट जिम्मेदारी, हाँ आई कुछ उस थिंक तरफ एक जा सकता एक है, एक एक जिम्मेदारी जो आपकी एहसासे एहसास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी एहसासे होगी, जिम्मेदारी को कह सकते एहसास हैं। ज़िम्मेदारी आपकी जो टूवर्ड्स सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, बट एक जनरली एक यूनिवर्स में आप रह रहे हैं, एक ऑपरेट कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, वो आ चरिंद गया आपके परिंद अंदर। हर किस्म के जो आपके लोग हैं, आपको ये बात समझ आना शुरू होती है कि हम सिर्फ एक छोटे से
ज़र्रे हैं पूरे एक पूरी एक दुनिया में, तो वो एक बेटर सेंस ऑफ दैट. ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट. ये एक्सीडेंट ने आपको सारा कुछ रियलाइज कराने का, टाइम मिला ना मुझे, मैं स्लो डाउन करना पड़ा जनरली. जिंदगी ने फोर्स किया आपको कि आप रुकें और सोचें. तो उसके वक्त वो जो टाइम मिला जिसमें मैं सोच रहा था अपने बारे में, इन चीज़ों के बारे में, कभी अपने आप को पिछले इतने सालों में टाइम नहीं दिया था. आई थिंक दैट हैपेंड. मुझे यार सोचना बड़ा आसान होता है, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है. नहीं मतलब बहुत से हम गोल्स करते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें. आपने ऐसा क्या क्या किया? नहीं, कि सोच को प्रैक्टिकली आपने किया? बिकॉज यू नो मेरी ओपनिंग क्वेश्चन मेरा जो था वो ये था कि आई सी अ मोर मैच्योर, अ मोर सोच में डूबा हुआ, अ मोर कंटेंट शेयर यू नो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो वो सब चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि वो हो रही हैं. तो आपने ऐसा क्या किया कि ये सब चीज़ें आपने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके अपने आप को इवॉल्व किया जैसे आप कह रहे हैं? राबिया मुझे नहीं लगता कि सोचना आसान है. मुझे लगता है फालतू सोचना आसान है. क्लैरिटी के साथ सोचना बहुत मुश्किल है. क्लैरिटी के साथ सोचने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ता है और अपनी सोच पे काबू रखना भी बहुत मुश्किल काम है. क्योंकि या तो आपकी सोच आपको चलाती है या आप अपनी सोच को चलाते हो. सो उस तरीके से ये प्रोसेस में मैंने वो सीखा अपने सोच पे कंट्रोल करने के लिए, क्लैरिटी के साथ सोचने के लिए. ओवरथिंकिंग नहीं होनी चाहिए. ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, मेनी अदर थिंग्स जो है उन पे कंट्रोल करना. अब ये सारे जो है आपको बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें लग रही होंगी, बट इनको आप ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई कर सकते हो. और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे मेडिटेशन, हम बोलते हैं मेडिटेशन के थ्रू आप काफ़ी अपनी थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल कर सकते हो. यू नो एजुकेट करके, अपने आप को पढ़ के. तो इसके बहुत एक ऑब्जेक्टिव तरीके भी हैं करने के. Okay. And you did all of those. टाइम था मेरे पास बहुत फारिग. हाँ मैंने सुना आपने पढ़ा बहुत है. टाइम था बहुत जैसे मैंने कहा फारिग. तो हमें कोई तीन बुक्स रेकमेंड करते हैं. What, which three books आप बोलेंगे? मैंने जो recently यूथ को पढ़नी चाहिए to actually अपना life का perspective change करने के लिए. देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज मैं कभी वो जवाब नहीं दे पाया कि मुझसे किसी ने पूछा कि तुम अपनी फेवरेट फिल्म बताओ. Okay. क्योंकि इतनी आपने फिल्में देखी हैं, इतनी सारी फिल्म्स देखी होती हैं कि आप एक फिल्म तो बता नहीं सकते. तो किताबों का भी ये है कि अगर मैं एक किसी किताब का बोलूं, मैं अक्सर इस किताब को कोट करता हूं क्योंकि मुझे अच्छी लगती है. वो मैकेवेली की किताब थी, द प्रिंस. ये बहुत बहुत 100 साल पहले लिखी थी मैकेवेली ने. पतली सी किताब है. नहीं नहीं आपको अब्रिज्ड वर्जन्स मिलेंगे, आराम से मिलेंगे. उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने जैसे तशरी होती है शेर व शायरी की, वैसे उस टेक्स्ट की तशरी भी की हुई है. तो वो आपको काफ़ी आराम से मिल जाएगी. वो मुझे मज़े की लगती है बिकॉज उसमें बहुत एक इंसान की सोच के बारे में लिखा हुआ है, बट बहुत नेगेटिव तरीके से लिखा हुआ है. तो उसको पढ़ के आपको इंसान की किस हद तक इंसान जा सकता है उसका ख्याल आता है. एंड आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि एक इंसान के अंदर ही वो साइड भी है.